हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं ये कली और चोटी वाला आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, ये मैंने वूल से बना रखा है। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हमें चुन्नी से बनाना सिखाइए, तो आज मैं इस डिज़ाइन को चुन्नी से बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन बहुत ही आसान है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा। और अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसके लिए फ्रेंड्स मैंने इतनी चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ बना ली हैं, और इसमें मैंने ये 8 नंबर की नीडल का मैंने इसमें यूज किया है। तो सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल लेंगे। फंदे हम बिल्कुल ही सिंपल तरीके के फंदे डाल लेंगे। ये देखिए, एक सिंपल हम नोट लगाएंगे, और ये देखिए एक फंदा नोट से हो गया, एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें फ्रेंड्स मैं पीछे 10 फंदे इस कलर से डालूंगी। ये जो हम कली बनाएंगे, और हर बार ये कली फिर हम ये जो ऊपर ये कलर है ये इसको फिर नीचे ले आएंगे, और जो नीचे कली में है इसको हम ये जैसे यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे। तो पीछे मैंने 10 फंदे डाले हैं, और आगे फ्रेंड्स मैं 2 फंदे एक्स्ट्रा डालूँगी। देखिए ऐसे ही हम नोट लगाएंगे एक, और आगे मैं 12 फंदे डालूँगी। 2 फंदे हम एक्स्ट्रा ऊपर वाले में, 2 फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे। तो मैं इसको 22 फंदे इसमें डाल लेती हूँ। ऐसे ही हम इसमें फंदे डाल लेंगे। तो मैं इस कलर के भी फंदे ऊपर डाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 12 फंदे ऊपर डाल लिए, 10 मैंने पीछे डाल दिए, तो इसमें मैंने 22 फंदे डाल लिए हैं। तो फर्स्ट रो देखिए, फर्स्ट वाला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे, इसको टाइट कर लेंगे, इसको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और हम इसके 10 फंदे हम इस कलर से बना लेंगे। ये देखिए, ये आगे के 2 फंदे मैं दूसरे कलर से बनाऊंगी। पट्टी को इस साइड ले लेंगे, नीचे से देखिए पट्टी को हम ऐसे क्रॉस कर लेंगे, और 2 फंदे मैं इस कलर में कन्वर्ट कर दूंगी। इसको आप यहाँ पे खींच लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे हमारा जॉइंट लगेगा, ये देखिए, और बाकी के फंदे मैं इस कलर से बना लूँगी। अब देखिए, ये हमारे ग्रीन के हो गए 3, इसको आप ऐसे ही अंदर दबा लीजिए, 4, ध्यान से देखिए, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मैं इसके 10 फंदे बनाऊंगी, और 2 फंदे हम पीछे छोड़ देंगे, और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। फर्स्ट वाला ऐसे ही उतार लेंगे, ये देखिए। एक बार आप इस साइड से भी देख लीजिए फ्रेंड्स, फिर आपने हर बार ऐसे ही इसको बनाना है। जो कलर जैसा होगा, इस साइड ये हमारी सीधी साइड है, जो जैसा कलर होगा उसी कलर से हम इसको बनाएंगे। ये देखिए, आगे हमारा पर्पल है, इसको पीछे कर देंगे, पीछे से दूसरा ऐसे क्रॉस करके लेके आएंगे आगे, और ये मैं पर्पल से बना दूंगी। ये देखिए, ये रो आपने हर बार ऐसे ही बनानी है, जो जैसा कलर होगा वैसा ही आपने बनाना है। ये देखिए, और किनारे का फंदा हम सीधा बनाएंगे। ध्यान से देखिए, इसको हम पट्टी को पीछे करके इसको हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए, एक बार और देख लीजिए, और इस साइड से हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे। इसको एक साइड से बनाएंगे, एक साइड से ऐसे ही उतारेंगे। ये देखिए, अब की बार 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब की बार हम 8 फंदे बनाएंगे। 2 फंदे हम
ये देखिए फिर से इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ये दो दो करते हुए फंदे हम ऊपर तक आएंगे, दो फंदे जब मेरे रह जाएंगे यहाँ तक मैं ये तीन स्टेप और ऊपर की तरफ आऊँगी। जितने भी फ्रेंड्स आप फंदे डालो, दो फंदे छोड़ के सारे ही आप फंदे चेंज कर लीजिए। ये देखिए ये डिज़ाइन फ्रेंड्स मैंने पहले भी बनाया है, मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। वो मैंने 42 फंदे का बनाया है, काफ़ी बड़ा बनाया है। ये देखिए दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे, राइट साइड से इसको उतार लेंगे और जो जैसा है हम वैसा ही बनाएंगे। यहाँ पे हम अपना क्रॉस करेंगे और इसको हम सीधा बना देंगे। और तो फ्रेंड्स मैं ये दो फंदे मेरे बच जाएंगे, यहाँ तक मैं ये सारे ही फंदे बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको ऊपर का दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ तक हम आ गए हैं फ्रेंड्स, दो फंदे मेरे बच गए हैं। ये दो फंदे हमने ऐसे ही रखने हैं इसी कलर के। जितने भी आपने फंदे डाले हों इस कली को आप ऊपर की तरफ यहाँ तक ले आइए। जब दो फंदे बच जाएंगे तब हम देखिए अब इस कली को हम वापस नीचे की तरफ मोड़ेंगे। ये देखिए दो फंदे हम इसमें ये ऐड कर लेंगे। ये हमारे अब हो गए यहाँ पे चार फंदे। और देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदे हमारे 10 थे कली के, दो हमने इसमें ऐड कर लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हमने दो दो करके फंदे ये सारे ही छोड़ दिए थे। अब हम क्या करेंगे, आठ फंदे हमारे बच गए अब तक हम छोड़ते आए थे, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए दो फंदे हमने इसमें ऐड कर लिए और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। फर्स्ट वाले को ऐसे ही उतार लेंगे। ध्यान से देखिए हाफ कली हमारी बन गई। अब इस कली को हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ये देखिए ये राइट साइड से जो जैसा है वैसा ही और किनारे वाले को सीधा बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अब आपको दिखाई देगी इसकी ऐसी फिनिशिंग से ही किनारा बनेगा। आप देखिए ये फंदे फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे यहाँ से दो फंदे ज़्यादा थे, तो मैं यहाँ पे ये 12 फंदे वापस हम अपने 12 फंदे बना लेंगे। 10 नीचे के थे 12 ऊपर के थे, तो चार हमारे हो गए हैं। दो मैं इसमें और ऐड कर लूँगी। ऐसे ही हम ऊपर से ऐड करते जाएंगे और नीचे की तरफ एक दो तीन चार पाँच। ये देखिए फ्रेंड्स आप एक बार देख लीजिए हम इसमें जॉइंट कैसे लगाएंगे। जब इतनी बड़ी आपकी पट्टी ये बच जाए तभी हम इसमें दूसरा ऐसे टुकड़ा लेंगे और इसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे। इसमें हमें नोट लगाने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए ये हमारे हो गए आठ फंदे, जॉइंट हमारा लग गया। अब दो फंदे हम नीचे से लेंगे। उससे पहले देखिए फ्रेंड्स गैप आपको नज़र आएगा, तो ऐसे बीच में से फंदा उठा लीजिए और इसके साथ दो का एक कर दीजिए। ये देखिए ये 10 फंदे हमारे हो गए और यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। दो दो फंदे अंदर की तरफ बढ़ेंगे और दो दो फंदे हम ये यहाँ से इसमें ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं ये ऐड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताऊँगी। ये देखिए दो फंदे फ्रेंड्स मेरे बचे हुए हैं और दो ही मैं इसमें ऐड करूँगी। लास्ट के आप एक बार और देख लीजिए, बिगनर्स को कई बार प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड्स। ये देखिए अब हमारे ऊपर फंदे हो गए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दो और इसमें ऐड करेंगे 12। 12 ही फंदे फ्रेंड्स हमने इसमें डाले थे, तो कली देखिए हमारी कंप्लीट हो गई। फंदे हमारे जितने थे उतने ही हमारे हो गए हैं। ये आगे के फंदे देखिए ये हम इससे बना लेंगे। अब लास्ट के दो फंदे हैं इसको भी हम बना लेंगे। अब देखिए फिर से आपको गैप नज़र आएगा, तो गैप भरने के लिए ऐसे आप फंदा उठा लीजिए।
ये देखिए, और जिससे हमने नोट लगाई थी इसको भी हम बना लेंगे। ये देखिए राइट साइड से जो जैसा है हम वैसा ही इसको बनाएंगे, और इसको भी इसमें ही आप ऐसे बहुत ही सफाई के साथ, ये फ्रेंड्स आपका बनके कंप्लीट होगा। इस पूरी रो को मैं उतार के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए पूरी कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई। अब फ्रेंड्स हम ये चोटी वाला डिजाइन बनाएंगे, तो देखिए चोटी वाला डिजाइन, और ये देखिए बैक साइड से मैं इसको, इस यहाँ पे हमारी पट्टी थी इसको मैं पीछे यहाँ पे ले आई हूँ ताकि हमारी ये लंबी ना लटके। अब देखिए, अब ये उल्टी तरफ है लेकिन हम इसको सीधा बनाएंगे। एक फंदा सीधा बनाया, फिर से वापस डाल, इसको आगे कर लेंगे। अब हम इससे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, अब इसको आगे कर लेंगे उंगली पे, और नीचे से ये पट्टी लेके ध्यान से देखिए, अब हम इससे बनाएंगे, एक बार इससे बनाएंगे और एक बार इसको आगे कर लेंगे, अब हम इससे बनाएंगे। ये देखिए जितने भी आपके प्रोजेक्ट में फंदे हों आपने ऐसे ही बनाने हैं। ये देखिए पूरी रो हम ऐसे ही बनाएंगे एंड तक। एक बार ये बना दिया, इसको आगे करेंगे, अब हम इससे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं इस रो को ऐसे ही बना के कंप्लीट करूँगी, इसको आगे कर लेंगे और अब हम इससे बनाएंगे। एक बार और देख लीजिए, इसको आगे करेंगे, इससे बनाएंगे। तो मैं इस रो को यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर हम इस साइड से बनाएंगे। ये देखिए ये हमारी हाफ चोटी बनेगी, जब हम दूसरी साइड से बनाएंगे तो ये कंप्लीट होगी। तो मैं ऐसे ही एक एक कलर का बना लेती हूँ। ये देखिए पूरी रो मैंने ऐसे ही बना ली है। अब ये हमारी सीधी साइड है, सीधी साइड से हम इसको उल्टा बनाएंगे। इस वाले को फ्रेंड्स आप कम ही बनाइएगा, यहाँ पे होल नहीं तो बड़ा बन जाएगा। अब ये देखिए इसको आगे कर लेंगे, जो जिस कलर का होगा फंदा उसी कलर से हम बनाएंगे। ये देखिए अब इसको आगे करेंगे, और ये नीचे से पर्पल है तो हम इससे बना देंगे, इसको अब आगे करेंगे, अब हम इससे बनाएंगे। ये देखिए सिंपल है बिल्कुल, थ्रेड को बस हमने पट्टी को आगे रखना है। ये देखिए आगे कर देंगे, अब हम इससे बनाएंगे। ये पूरी रो में ऐसे ही बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए चोटी हमारी कंप्लीट हो गई है। लास्ट का जब हमारा फंदा बच जाएगा फ्रेंड्स, तब देखिए दोनों पट्टी हम पीछे लेके जाएंगे, क्योंकि इसको हम हमेशा सीधा बनाएंगे, तो इस बार भी हम इसको सीधा ही बनाएंगे। ये देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स कली हमारी कंप्लीट हो गई, चोटी हमारी बन गई है। अब आपको अगर ये ऐसे बनाना है जैसे मैंने ये बना रखा है, अब ये देखिए अब हम इसका कलर चेंज करेंगे। और अगर आपको एक ही कलर से बनानी है तो आप फ्रेंड्स जैसे हमने फंदे डाले थे वैसे ही आप इस रो से फंदे सेट कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही कलर हमारे ऊपर हैं। जैसा आप लगाना चाहो अपनी चॉइस से वैसे आप इसमें लगा सकते हो। मैं आपको जैसे ही मैंने ये बना रखा है ऐसे ही मैं दिखाऊंगी। ऐसे तो आप इसको बना ही लोगे जैसे आपने फंदे डाले थे। अब देखिए जब फंदे हमने डाले थे फ्रेंड्स, ऊपर हमने पर्पल डाले थे और नीचे हमने ये ग्रीन डाले थे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर हम अब चेंज करेंगे। तो देखिए दो तीन चार पाँच छः, इसको साथ ले आइए, सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह, बारह फंदे हम ये ग्रीन के बना लिए। अब आगे के फंदे मैं इससे बनाऊंगी, दो ये दस फंदे हम पर्पल से बना लेंगे। ये देखिए कलर हमने इसमें सेट कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स जैसे हमने डाला था, अब उसके बिल्कुल अपोजिट किया है। ये कलर हम ऊपर लेके गए हैं, ऊपर वाला नीचे। अब सीधी साइड से सीधी साइड से सीधी रो बना के, और फिर से जैसे हमने नीचे से स्टार्टिंग की थी फ्रेंड्स, दो दो फंदे हम इस कली के ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, दो फंदे रहने तक,
और पीछे हम दो दो फंदे इसमें छोड़ देंगे। जैसे हमने नीचे किया था बिल्कुल सेम हमने ऐसे ही इसको बनाना है। तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स ये आइडिया कैसा लगा, पुरानी चुन्नी को हम कैसे यूज कर सकते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई किए करिए फ्रेंड, बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बिगिनर्स भी इसको आसानी से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, आप उसे मिस ना करो। तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।